जनाक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, उज्जैन में बच्ची के साथ रेप की विभत्स घटना पर भाजपा के सभी नेता चुप्पे साधे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा इटारसी पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सुरजेवाला ने कहा कि महाकाल लोक उज्जैन में जो घटना हुई है, उस घटना ने शिवराज सरकार के पाखंड और प्रपंच की पोल खोल दी है। एक ऐसी 12 साल की हमारी अबोध बेटी जिसके साथ दुराचार और बलात्कार हुआ, वो लड़की 8 घंटे तक महाकाल लोक थाने क्षेत्र के आसपास अर्धनग्न घूमती रही, खून रिसता रहा, परंतु शिवराज सिंह चौहान की सरकार और शिवराज उत्सव मनाते रहे। जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से यह पूछा जाता है तो वो बोलते हैं रिपोर्ट लेंगे। अगर किसी हीरोइन के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा को पता चल जाता है। हमारी एक बेटी से अनाचार हुआ है, उसकी आत्मा छलनी हुई है, परंतु शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज जो महाकाल की नगरी में विभत्स घटना हुई, दुर्भाग्य घटना हुई, रोंगटे खड़े करने वाली घटना हुई, उसने मध्य प्रदेश और देश की आत्मा, मां भारती की आत्मा को चीर चीर कर दिया। 12 साल की अबोध बालिका बलात्कार हो जाए, 8 घंटे महाकाल की सड़कों पर अर्ध निर्वस्त्र घूमती रहे हमारी बेटी, खून शरीर से निकलता रहे, परंतु उत्सव में व्यस्त शिवराज सिंह चौहान और भाजपाइयों को कोई फुर्सत ना दे। और जब प्रदेश के होम मिनिस्टर से सवाल पूछा जाए तो बोलते हैं रिपोर्ट लेंगे। अरे, हीरोइनों के कपड़ों का तो आपको तभी पता चल जाता है नरोत्तम मिश्रा जी, जब बॉम्बे में वो पहनती है। गानों का और फिल्मों का तो आपको तभी पता चल जाता है, परंतु आपको महाकाल में 12 साल की अबोध बालिका से बलात्कार के बारे में आप रिपोर्ट देंगे? और सीएम तो गायब है, क्योंकि उन्होंने तो सबको टाटा बाय बाय कह चुकी है। कांग्रेस का मिशन जो है वो 150 प्लस से रिवाइज करके 175 प्लस हमने किया है। ये जन आक्रोश यात्रा में मिल रहे जन समर्थन, जनता के आक्रोश, और जिस प्रकार से लोग अपने आप सड़कों पर निकले हैं शिवराज सरकार के किले को ढाने के लिए, भाजपाई किले को ढाने के लिए, उससे साफ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।